वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम क्या है, हायर परचेज सिस्टम। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया है कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बेसिक अंतर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, वीडियो देख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। जो आपका एसेट्स को परचेज करने वाला है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इंट्रीज कैसे पास करता है। आज हम लोग क्या करेंगे, इसी के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। जो हायर परचेजर होता है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दो मेथड को यूज करके जनरल एंट्रीज पास कर सकता है। कितने मेथड्स हैं, दो मेथड्स। पहला कौन सा मेथड है आपका, पहला है एसेट्स अक्रूवल मेथड। और दूसरा कौन सा मेथड है आपका, क्रेडिट परचेज मेथड। अब सवाल ये उठता है कि इसका जो एसेट्स अक्रूवल मेथड नाम पड़ा वो क्यों पड़ा। देखिए, मैंने आपको पहले ही लेक्चर जो आपका पहला है वीडियो, उसमें क्या किया, मैंने बताया है कि हायर परचेज सिस्टम में जब तक हायर परचेजर पूरा इंस्टॉलमेंट का भुगतान नहीं करेगा तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर होता नहीं है। तो हायर परचेजर बोलता है कि जब हम पूरा इंस्टॉलमेंट का जब तक भुगतान नहीं करेंगे आप तो हमको ऑनरशिप ट्रांसफर करेंगे नहीं। तो जब करेंगे ही नहीं तो हम असेट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जितना कैश प्राइस है उतना से डेबिट क्यों करें, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करता है, असेट अक्रूवल मेथड। ये उतना ही असेट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट करेगा हायर परचेजर जितना एसेट्स के लिए क्या करेगा, पैसा देगा। एक बार फिर से, जो आपका एसेट्स अक्रूवल मेथड के द्वारा जो हायर परचेजर होता है उतना ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करता है, एसेट्स को डेबिट करता है जितना वो एसेट्स के लिए पैसा देता है। ऑनरशिप ट्रांसफर किया ही नहीं तो पूरा आपका कैश प्राइस डेबिट क्यों करेगा, सीधा सा बात है। तो कौन सा मेथड है आपका, एसेट्स अक्रूवल मेथड, ठीक है। इस मेथड में जितना एसेट्स के लिए हायर परचेजर देगा उतना ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स को डेबिट करेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो एंट्री होता है वो किस इसका होता है आपका, डाउन पेमेंट का। किस इसका होता है, डाउन पेमेंट। और डाउन पेमेंट किसे करते हैं, मैं बता चुका हूँ पहले वाले इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम वीडियोस में, ठीक है। नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, अभी मैं फिर से बताता हूँ। परचेजर वेंडर को जब इंस्टॉलमेंट पे सामान खरीदता है तो तुरंत जो आपका पैसा देता है, जो पेमेंट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। उसी को हम लोग साइनिंग अमाउंट भी क्या करते हैं, बोलते हैं। मैंने क्या किया इसके बारे में पहले इंटेल्स क्या क्या वीडियोस बनाया है, ठीक है। तो चलिए, क्या हुआ फॉर डाउन पेमेंट। तो सबसे पहले डाउन पेमेंट का हायर परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री पास करेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। याद रखिए, यहाँ पे किस इसका अमाउंट बढ़ाएगा, डाउन पेमेंट का। किस इसका अमाउंट लिखेंगे हम लोग, डाउन पेमेंट का, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि एसेट्स अक्रूवल मेथड में जितना एसेट्स के लिए पैसा देगा उतना ही हायर परचेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स को डेबिट करेगा, ठीक है। तो डाउन पेमेंट आपका किया कितना, मान लेते जो भी 5000, यहाँ 5000 और कितना लिखा जाएगा आपका 5000, ठीक है। अब थोड़ा मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि डेबिट हुआ तो क्यों, क्रेडिट हुआ तो क्यों। क्लास 11th में 12th में आप लोग पढ़े होंगे जर्नल, उस समय समझाया जाता है कि क्यों अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों अकाउंट क्या हुआ आपका, क्रेडिट हुआ। अभी क्या करेंगे हम आपको, थोड़ा सा कोशिश करेंगे बताने का, ठीक है। देखिए, एसेट्स आपका रियल अकाउंट है। एसेट्स क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का यूज करता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी एसेट्स अगर बिजनेस में आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। तो हायर परचेजर के लिए, एसेट्स क्या है, बिजनेस में आ रहा है तो आपका रियल अकाउंट रूल्स के तहत डेबिट किया व्हाट कम्स इन, ठीक है। उसके बाद कैश क्या होगा, बिजनेस से जाएगा, कैश भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। कैश बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो आपका क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हो गया। बैंक, पैसा देने वाला कौन है, बैंक पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्या होगा, पैसा देने वाला, तो आपका बैंक को हमने क्या किया, क्रेडिट, क्योंकि द गिवर, ठीक है। और यहाँ पे ये तो हुआ आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। अगर बात किया जाए मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अमेरिकन कॉन्सेप्ट, तो भी बोलता है, देखिए ये जो बैंक है ना, बिजनेसमैन के बुक्स में, ध्यान से, बिजनेसमैन के बुक्स में अगर बैंक में पैसा बढ़ेगा तो डेबिट होगा और बैंक में पैसा कमेगा तो क्रेडिट होगा।
बिजनेस बिजनेसमैन के बुक्स में, ठीक है। तो आपका बताइए जब पेमेंट करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, पैसा कम जाएगा बिजनेसमैन के बुक्स में, तो अपने आप को क्या करेगा, बैंक को क्रेडिट, और बढ़ेगा तो क्या करेगा, डेबिट। हाँ, बैंक वाला याद रखिएगा, बैंक जो पासबुक बनाता है तो वहां तक हम लोग का पैसा बढ़ता है तो क्रेडिट करता है, और घटता है तो क्या करता है, डेबिट। तो बैंक कौन बनाता है, पासबुक, वहां पे बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। लेकिन ये जो आपका कैशबुक है कौन बनाता है, बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन जब पैसा बढ़ेगा तो कैशबुक के कैश कॉलम में डेबिट करेगा, और घटेगा तो क्या करेगा, क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझा दिया। तो ये हो गया आपका किस चीज का, डाउन पेमेंट का। अब होता है इंस्टॉलमेंट ड्यू। डाउन पेमेंट कर दिया, एसेट जितना डाउन पेमेंट के लिए किया पेमेंट किया उतना आपका डेबिट कर दिया। अब आपका क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट का समय आ गया। इंस्टॉलमेंट का समय आएगा तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना, तो आपका क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट ड्यू का एंट्री, इंस्टॉलमेंट पेबल का एंट्री, पेड का नहीं पेबल का, देने का, डेट का एंट्री पहले बनता है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, होगा ना। यहाँ पे एसेट्स के लिए फिर से बोल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में एसेट्स का अमाउंट जितना शामिल होगा, मान लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट है 5000 का, मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट कितने का है, 5000 का, और 5000 में 4500 यानी 4500 जो है वो किस चीज का है, एसेट्स का, और 500 किस चीज का, इंटरेस्ट का। तो देखिए जितना एसेट्स के लिए दिया हम, यहाँ पर कितना दिया, मान लेते इंस्टॉलमेंट कितने का था, 5000 का, और 4500 किस चीज का, एसेट्स का, और 500 किस चीज का आपका, इंटरेस्ट का। टोटल कितना दे देगा वो, 5000। बात समझे, तो बार बार बोल रहे हैं कि एसेट्स को हर बार क्या करेगा, डेबिट करेगा। जो हायर परचेजर है जब भी इंस्टॉलमेंट का भुगतान करेगा तो एसेट्स को क्या करेगा, डेबिट करेगा। क्यों, क्योंकि कौन सा मेथड है, एसेट्स अक्रूअल मेथड। और एसेट्स अक्रूअल मेथड बताता है कि जितना एसेट्स के लिए पैसा दिया जाएगा उतना ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट ये करेगा, क्योंकि ऑनरशिप तो ट्रांसफर करता नहीं है, ठीक है। तो उसका हो गया एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। देखिए एसेट्स डेबिट क्यों हुआ, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स करता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो परचेजर के लिए, हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंसेस है, तो क्या किया आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या किया, डेबिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आपका नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और हायर वेंडर पर्सनल अकाउंट है, मैं पहले बोला कि पैसा लेना हो, नेचुरल पर्सन में पैसा लेना हो तो डेबिट कीजिए, और पैसा देना हो तो क्रेडिट कीजिए। तो बताइए हायर वेंडर्स को पैसा देगा ना, हायर परचेजर तो पैसा देगा तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा, ये क्रेडिट करेगा। तो ड्यू का एंट्री क्या बना, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या बना आपका, हायर वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं एंट्री अलग अलग लिखना तो भी लिख सकते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स, फिर लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो दो बार क्यों लिखेंगे, एक ही बार से क्या करेंगे, काम क्या करेंगे, चला लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद ये हुआ इंस्टॉलमेंट ड्यू का, देय का दिया नहीं है, देय का। अब पेमेंट करेगा, अब इंस्टॉलमेंट का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट कैश के फॉर्म में देगा तो कैश, बैंक के फॉर्म में देगा तो बैंक। आपका हायर वेंडर पर्सनल अकाउंट, पाने वाला पैसा कौन है, आपका हायर वेंडर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। और कैश बिजनेस से क्या होगा, जाएगा क्रेडिट वर्ड गोज आउट, रियल अकाउंट रूल्स के तहत, ठीक है। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, देखिए याद कीजिए, जो परचेजर होता है, जो हायर परचेजर होता है उसके लिए एसेट्स होता है, और वही चीज हायर वेंडर के लिए क्या होगा, गुड्स, क्या होगा, गुड्स। तो यहाँ पे वो एसेट्स लिखेगा, जो हायर परचेजर क्या लिखेगा, आपका एसेट्स लिखेगा, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन किस पे होता है, एसेट्स पे। डिप्रिसिएशन किस पे होता है, एसेट्स पे। याद कीजिएगा, जो परचेजर होगा उसी के बुक्स में डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा, जो वेंडर होगा उसके बुक्स में आपका डिप्रिसिएशन का एंट्री नहीं होता है, क्योंकि वो आपके उसके लिए क्या है, हायर वेंडर के लिए क्या है, गुड्स है, और गुड्स पे डिप्रिसिएशन नहीं होता है। तो डिप्रिसिएशन का क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आपका एसेट्स अकाउंट। डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट कर दिया, और एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया, कम गया ना, डिप्रिसिएशन से एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया, कम गया। तो एसेट्स का वैल्यू कमता है तो क्रेडिट, और बढ़ता है तो डेबिट। अमेरिकन कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी एसेट्स अगर बढ़ेगा तो डेबिट और कमेगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, डिप्रिसिएशन से एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया, कम गया, तो आपका एसेट्स को क्या कर दिया, ये क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है, और ये कौन है आपका, डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है, और मैंने पहले ही बोला है कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं,
चाहे वो एक्सपेंसेस वाला, चाहे आपका लॉसेस वाला, चाहे प्रॉफिट वाला, चाहे इनकम वाला, जितने भी आपका नॉर्मल अकाउंट्स है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट या इनकम, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर उसका खाता क्या होता है, क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोज। यहाँ पे दो ही ना है, इंटरेस्ट और कौन है आपका, डिप्रिसिएशन। तो आपका इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके हमने खाता क्या कर दिया, क्लोज। देखिए, ये डेबिट था और डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों डेबिट था, दोनों को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। क्या कर दिया, क्रेडिट। और खाता क्या कर दिया, क्लोज। किस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो यही आपका एंट्रीज होगा किसके बुक्स में, हर परचेजर के बुक्स में, इन द एसेट्स अक्रूवल मेथड के अनुसार। ठीक है, दूसरा भी मेथड है। कौन सा मेथड है आपका, क्रेडिट परचेज मेथड। कौन सा, क्रेडिट परचेज मेथड। देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसमें असेट्स अक्रूवल में जितना असेट्स के लिए देता था उतना ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट करता था। इसमें नहीं, इसमें एक ही बार में क्या करेगा, डेबिट कर लेगा। एक ही बार में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट्स को क्या कर लेगा, डेबिट कर लेगा। और ये मान के चलेगा कि अब उधार में खरीदे हैं, किसमें खरीदे हैं, उधार में। इसका नाम क्या पड़ा, क्रेडिट परचेज मेथड। तो सबसे पहले क्या हो गया, फॉर असेट्स परचेज, असेट्स को खरीदने का क्या एंट्री हो जाएगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स, assets account debit to have vendors। और याद रखिए यहाँ पे जो है ना, किस अमाउंट से एंट्री पास करेगा, कैश प्राइस से। किस प्राइस से, कैश प्राइस। जितना assets का कैश प्राइस होगा एक ही बार में क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, क्रेडिट परचेज मेथड में। लेकिन असेट्स अक्रूवल में जितना असेट्स के लिए देता था उतना ही क्या करता था, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट करता था। तो इसमें क्या हुआ, हर बार हर इंस्टॉलमेंट में असेट्स को डेबिट करना पड़ेगा, इसमें बस एक बार डेबिट कर लेगा, बस हो गया। ठीक है, तो आपका हुआ असेट्स परचेस करने का, असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स। उसके बाद डाउन पेमेंट का, जैसे इसमें था हायर वेंडर्स टू कैश या बैंक। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इसमें जैसे मैंने बताया। फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट का, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। डिप्रिसिएशन का भी सेम एंट्री, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। और इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन। अब दोनों में आपका बेसिक अंतर ध्यान सुन लीजिए, इसमें असेट्स अक्रूवल मेथड में असेट्स के लिए जितना देगा उतना ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हायर परचेस डेबिट करेगा। और इसमें क्या होगा, एक बार में ही, पहला में ही क्या करता है, असेट्स को क्या कर लेता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट कर लेता है कैश प्राइस से। तो यही आपका दोनों में क्या है, बेसिक अंतर है, आपका हायर परचेजर असेट्स अक्रूवल मेथड और आपका क्रेडिट परचेज मेथड में। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हम लोग कौन वाला बनाएंगे, जब आपके क्वेश्चंस में, ध्यान से सुन लीजिए, जब आपके क्वेश्चंस में आपका लिख दे असेट्स अक्रूवल मेथड, तब तो असेट्स अक्रूवल मेथड, जब लिख देगा तब तो आप बाध्य बनाने के लिए। और जब नहीं लिखेगा किस मेथड से बनाना है, तो कौन सा मेथड अप्लीकेबल होगा, क्रेडिट परचेज मेथड। कौन सा अप्लीकेबल होगा, क्रेडिट परचेज मेथड। ठीक है, तो आपका हायर परचेज सिस्टम में हायर परचेजर जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दो मेथड एंट्री पास करता है, असेट्स अक्रूवल मेथड और कौन है आपका, क्रेडिट परचेज मेथड। तो इस वीडियो में हम हायर परचेजर के बुक्स में जनरल एंट्रीज पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा हायर वेंडर के बुक्स में एंट्री। किसके बुक्स में, हायर वेंडर्स के बुक्स में। इसमें दो मेथड है हायर परचेजर में, तो क्या वेंडर में भी दो मेथड है या एक ही है, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा इसका आपका सूचना मिल जाएगा। और आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसमें क्लास 11, क्लास 12, बीकॉम का सारा जो है आपका अकाउंट्स का सारा आपका वीडियोस क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जितना भी मेरा वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।